हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और ये कहानी है बच्चों एक कुत्ते और एक चिड़ा की, यानी गौरैया की, स्पैरो की। तो बच्चों, इस स्टोरी में क्या होता है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ ऊपर दे रखा है, डियर वॉज अ शीप डॉग। एक बार एक शीप डॉग होता है, शीप डॉग यानी जो गडरी होते हैं उनके पास जो कुत्ता होता है उसको कहते हैं शीप डॉग। तो ही हैज़ अ मास्टर, और उसका एक मास्टर होता है हु वॉज वेरी क्रूल, जो कि बहुत निर्दयी होता है, एंड डिड नॉट गिव हिम फूड प्रॉपरली, और उसको वो टाइम से खाना नहीं देता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना नहीं देता है। वन डे, एक दिन, द डॉग मेट अ स्पैरो, जो डॉग है वो स्पैरो से मिलता है। द स्पैरो हेल्प्ड हिम, स्पैरो उसकी हेल्प करता है, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द डॉग हैड डेड, कुत्ता मर जाता है। रीड, तो चलो पढ़ते हैं, हाउ डिड द स्पैरो टेक रिवेंज, तो स्पैरो ने किस तरह से बदला लिया ऑफ इट्स ब्रदर डॉग, अपने इस ब्रदर डॉग का। अ शीप डॉग हैड नॉट अ गुड मास्टर, एक बार एक शीप डॉग के पास उसका मालिक जो है वो अच्छा नहीं था, बट लेकिन ऑन द कंट्रारी, यानी इसके विपरीत, मतलब इसके विपरीत उसका स्वभाव कैसा था, वन हु लेट हिम सफर हंगर, जो कि उसको भूख से मरने देता था, यानी उसका जो मालिक था वो अच्छा नहीं था, और इसके अलावा वो ऐसा था, इसके विपरीत उसका ऐसा था कि वो उस कुत्ते को भूखे ही मरने देता था, उसको खाना पीना टाइम से नहीं देता था। एज ही कुड स्टे नो लॉन्गर विद हिम, जैसे कि वो कुत्ता उसके साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता था, ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता था, ही वेंट क्वाइट सैडली अवे, तो ही वेंट, वह चला गया, वेंट अवे चला गया, क्वाइट सैडली छोड़ करके चला गया, सैडली दुखी होकर, तो वह दुखी होकर वहाँ से चला गया, छोड़कर चला गया उसको। ऑन द रोड, और सड़क पर, ही मेट अ स्पैरो हु सैड, तो और रोड पर वो किससे मिलता है, एक स्पैरो से मिलता है, और जो कि उससे पूछता है, ब्रदर डॉग, ब्रदर डॉग, व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। तो जो स्पैरो है उस डॉग को क्या बुलाया उसने, ब्रदर कह के बुलाया, ब्रदर डॉग तुम इतने दुखी क्यों हो। द डॉग रिप्लाइड, डॉग ने जवाब दिया, आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, एंड हैव नथिंग टू ईट, और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देन सेड द स्पैरो, तब चिड़ा ने कहा, स्पैरो ने कहा, डियर ब्रदर, प्रिय भाई, कम इन टू द टाउन विद मी, मेरे साथ टाउन में आओ, कस्बे में आओ, एंड आई विल सेटिस्फाई योर हंगर, और मैं तुम्हारी भूख को शांत करूँगी, मैं तुम्हारी भूख को शांत, मतलब उसको तृप्त करूँगा। सो दे वेंट इन टू द टाउन टूगेदर, इसलिए वो दोनों कहाँ गए, टाउन में गए एक साथ। एंड वैन दे केम इन फ्रंट ऑफ अ बुचर्स शॉप, और जब वो, वैन दे केम, जब वो आए इन फ्रंट ऑफ ए बुचर्स शॉप, एक कसाई की दुकान के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, कसाई की दुकान के सामने, द स्पैरो सेड, स्पैरो ने कहा टू द डॉग, कुत्ते को, स्टे देयर, वहाँ रुको, एंड आई विल पिक अ बाइट ऑफ मीट डाउन फॉर देयर, मैं तुम्हारे लिए, तुम यहाँ वहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए लाऊँगा एक मीट का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। एंड ही पर्च्ड ऑन द स्टॉल, और जो चिड़ा है वह उस स्टॉल पर बैठा, मतलब उड़ करके गया दुकान पे और वो ऊपर बैठ गया। लुक्ड अबाउट हिम टू सी, यह देखने के लिए, दैट नो वन वॉज ऑब्जर्विंग हिम, कि उसको कोई देख नहीं रहा था,
मतलब उसको कोई देख तो नहीं रहा था, यह देखने के लिए दुकान पे बैठा। एंड स्ट्रक, और उसने मारा। एंड पुल्ड, और खींचा। एंटोर, फाड़ा, मतलब मांस के ऊपर बैठा हुआ था। तो पहले तो उसने ये देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर उसने मौका पाते ही क्या किया, उसने अपना चोंच मारी, पंजा मारा, और मांस का टुकड़ा फाड़ने के लिए, और खींचा। टोर यानी फाड़ा। सो लॉन्ग एट अ पीस, जिसकी वजह से एक पीस जो है विच ले ऑन द एज, वो किनारे पर गिर गया। दैट इट स्लिप डाउन, वो नीचे गिर गया। देन द डॉग सीज्ड इट, और कुत्ते ने उसको पकड़ लिया। रैन इनटू अ कॉर्नर, और जो कुत्ता था वो उसको किसी कोने में ले गया। एंड कंज्यूम्ड इट, और उसको खा लिया। ओके तो इस तरह से बच्चों देखो, चिड़ा जो है उसकी डॉग की किस तरह से हेल्प कर रहा है ना, और उसका जो उसकी भूख शांत कर रहा है। तो चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।